आदाब नाज़रीन, डीडी उर्दू के इस ख़ास पेशकश माह रमज़ान की रोशनी और बाज़ारों की रौनक के को लेकर मैं हाजिर हूँ मुस्तहसन रिज़वी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के उर्दू बाज़ार के इलाके में, जो यहाँ की तारीख़ी शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चंद कदम के फासले पर है। यूँ तो साल भर यहाँ के बाज़ारों में गहमा गहमी रहती है, मगर रमज़ान के मौके पर इसकी रौनक देखते ही बनती है। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, बड़ी रहमतों का है, बड़ी नेमतों का है। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है। आपकी अल्लाह के करम से रहमत ही रहमत है, रहमत का महीना है, एक महीना जो है रहमत का है। अल्लाह के फरिश्ते उतरे हुए हैं, अल्लाह की रहमत हुई हुई है और रहमत बरस रही है। बारी ताला ने हर तरह से चरिंदे परिंदों को सबको दे रखा है, रिक्स सबके लिए रिक्स उतार रखा है बारी ताला ने। वो ये महीना जो ऐसा है कि एक महीना जो है कि आदमी जो गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी इस टाइम में अमीर बना बैठा हुआ है। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, बड़ी रहमतों का है, बड़ी नेमतों का है। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है। नाज़रीन, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम दिखाएंगे रमज़ान की रोशनी से जामा मस्जिद के इस इलाके की रौनक और बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से और जायज़ा लेंगे यहाँ अलग अलग चीज़ों का। लेकिन सबसे पहले बात माह रमज़ान की। रोज़े का जहां मकसद अपने नफ्स पर काबू रखना है, वहीं दूसरा अहम पहलू तकवा इख्तियार करना भी है। चूंकि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान का महीना तकवा इख्तियार करने का सबसे बेहतर महीना है। ये माह मुबारक हमें मुत्तकी बनने की भी तरबियत देता है। ये महीना फ़ुक़रा व मसाकीन को सदका देने का है, वहीं अपने बूढ़ों की तज़ीम, छोटों पर शफ़क़त और रहम करने का भी है। इस माह मुबारक में अपनी जबानों को नापसंदीदा गुफ्तगु से बाज रखना चाहिए। रोज़ेदार खाने को छोड़ता है, शहवत को छोड़ता। शहवत के माने क्या है? यानी प्रवोक ना होना। शहवत को मतलब प्रवोक ना होना। तो अगर आदमी अपने अंदर ये मिजाज पैदा करे कि वो प्रवोक नहीं होगा, वो मुश्तैद नहीं होगा, तो इसका असर सबसे पहले खानदान पर पड़ता है और फिर पड़ोस पर पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे और इसकी रातों के कुछ हिस्से में इबादत के लिए खड़ा हो जाए, अपने आप को हराम से रोके रखे और अपनी ज़बान पर काबू रखे, तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे वो शिकम मादर से आया था। रोज़ा रखो तो अपनी ज़बान पर काबू रखो और अपनी आँखें ना मुहरम से नीचे रखो। आपस में झगड़ा ना करो, हसद ना करो, एक दूसरे की बुराई ना करो और दूसरे पर शक ना करो, और एक दूसरे को ना झुटलाओ, गुस्से में मत आओ, झूठ फरेब मक्कारी और मिलावट से मुकम्मल परहेज करो।
اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتو اور نماز سے غفلت نہ کرو. یہ مہینہ تقوی اختیار کرنے کا بہترین مہینہ ہے. تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچے, اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے, اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. یہ رمضان کے روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. ورنہ اگر رمضان اس مقصد کے تحت گزارا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی. آدمی قدم قدم پر سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے, کس چیز سے منع کیا ہے, کون سی چیز ایسی ہے جس سے پر عمل کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے, کون سا کام ایسا ہے جس کے کرنے سے وہ ناخوش ہوتا ہے. اس طرح کی زندگی رمضان سے میں پیدا کی جاتی ہے. فصیح الرحمان کی رپورٹ, ڈی ڈی نیوز, دلی. ناظرین, رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اسی مہینے میں سبھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, قرآن شریف بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. رمضان میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنا جائے. اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کہا کیا ہے, کن باتوں کا حکم دیا ہے, اور عبادت کس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, کون سے اخلاق سکھائے ہیں, کس طرح کی تعلیم دی ہے, دوستوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے, ماں باپ کا اور بیوی بچوں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, دوستوں اور غیروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, یہ تمام باتیں اسے قرآن کے ذریعے معلوم ہوں. اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس قرآن رمضان کے اندر پورا قرآن سنیں. ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور نماز تراویح کثرت سے پڑھی جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور تراویح کو سنت کیا. اس کا مطلب ہے کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ کی طرف سے ہے. کئی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے اسے سنت کیا, یعنی تاکید کی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی 3 تاریخ کو اتارے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 21 رمضان کو ملی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو عطا ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی. یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کو رمضان کا مہینہ کتنا پسند ہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں 29 یا 30 دن ہوا کرتے ہیں, جنہیں ہم 3 اشروں میں بانٹتے ہیں. پہلا اشرہ یعنی پہلے 10 دن عبادتوں کے ہوتے ہیں, اور دوسرا اشرہ مغفرت کے لیے کا ہوتا ہے, تیسرا اشرہ یعنی آخری کے 10 دن جہنم کی آگ سے نجات کے لیے ہے. اللہ
रमजानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत मुकम्मल होने के साथ ही अब दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। जाहिर है इंसान खताओं का पुतला है, ऐसे में रमज़ान का अशरा मग़फ़िरत रेगिस्तान के तपते रेत में चांदनी के मुतरादिफ है। कुरान में बारहा ये बात कही गई है कि अगर तुम सालेह बनना चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये दूसरा अशरा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और किसी भी सूरत से रो धोकर उसे मनाने का अशरा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की नहायत मशहूर हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मिंबर पर चढ़ते हुए 3 बार आमीन कहा। सहाबा के दरियाफ्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत में जो 3 बातें बताईं उनमें एक बात यह थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अल्लाह से अपनी बख्शिश न करा ली। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। अल्लाह की रहमत यूं भी मग़फ़िरत के बहाने ढूंढती है और ऐसे में ये अशरे मग़फ़िरत वो भी रमज़ान जैसे मुबारक महीने में एक ख़ास तोहफा है। इस अशरे में तमाम मुसलमान अपने अल्लाह को मनाते हैं और अपनी गलतियों पर नदामत के साथ मुस्तकबिल में इसका इर्तिकाब न करने का अज़्म करते हैं। अपनी कोताहियों और गुनाहों का एतराफ करने पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है। किसी शायर ने क्या खूब मिसरा कहा है कि बुझा देंगे जहन्नम को ये आंसू हैं नदामत के। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान सब्र का महीना है, यानी इस दौरान अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो तो बर्दाश्त करें, सब्र करें। और आपने आगे फरमाया कि रमज़ान गम बांटने का महीना भी है, यानी कि गरीबों के साथ नेक बर्ताव किया जाए, नेक सलूक किया जाए। अगर आप अपने लिए अफ्तार में 10 चीज़ें लाएं तो उनके लिए भी 2-4 चीज़ें ज़रूर लाएं। कहा जाता है कि इस रमज़ान के महीने में एक नेकी 70 नेकी के बराबर होती है, एक नेकी का सवाब 70 नेकी के सवाब के बराबर होता है। कहते हैं कि माह रमज़ान में जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है और जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। माह रमज़ान में कि इन्हीं रहमतों और बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए रोज़ा, नमाज और इबादतों के साथ साथ हर मुसलमान खैरात और ज़कात देता है। यही वजह है कि रमज़ान साल के दूसरे महीनों से अलग, घर से लेकर गलियों तक और मस्जिदों से लेकर बाज़ारों तक रौनक ही रौनक होती है इस महीने में। नाज़रीन, रमज़ान में बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार की सबसे पहली निशानी खजूर है और सबसे ज़्यादा भीड़ खजूर की दुकान पर ही लगती है। रमज़ान के महीने में खजूर कसरत से खाए जाते हैं। एक तो इसमें ग़िज़ाइत होती है, इससे काफ़ी ताकत मिलती है और दूसरे खजूर खाना सुन्नत भी है। तो आइए हम दरियाफ्त करते हैं, यहाँ खजूर के बाज़ार में बात करते हैं और लोगों से देखते हैं। आप बताइए कि किस किस किस्म के खजूर हैं आपकी दुकान? किस्म की होती हैं, जितनी चाहें आप देख सकते हैं कितनी है इसमें, बहुत वैरायटी है। किस किस्म की हैं आपकी दुकान में? इस टाइम मरियम है, नवार है। कौन कौन सी है? ये मरियम है, ये नवार है, इस तरीके से कई सारी किस्में हैं इसमें। अच्छा अच्छा जी। और किन किन मुल्कों से खजूरें आती हैं? ईरान, ओमान, अल्जीरिया की खजूर यहाँ ज़्यादा आती है। ईरान, ओमान और अल्जीरिया जी, यहाँ ज़्यादा आती हैं। और रमज़ान के मौके पर खास करके जी जी, रमज़ान में सबसे जी बढ़ जाती है जी, आम दिनों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया भर के बाज़ारों में तरह तरह के खजूर, रंग बिरंगे खजूर हर तरफ नज़र आते हैं। खजूर में आयरन, कैल्शियम, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस और विटामिन होते हैं जो बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं। एक खजूर में 23 कैलोरी एनर्जी होती है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट डाइट है। हर रोज़ एक मुट्ठी यानी 8 से 10 खजूर खाएँ तो इससे हमारे जिस्म को ये 15 फ़ायदे होंगे। खजूर की बहुत बड़ी अहमियत है, जैसा कि आपने कहा कि एक तो सुन्नत है, दूसरी बात ये कि रमज़ान के मौके से इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे रोज़ेदार हजरात ज़्यादा करते हैं और खाने के बाद अंदरूनी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है। हमारे लिए सबसे बड़ी सुन्नत है खजूर से रोज़ा खोलना,
हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी खजूर ही खाते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस खजूर जो है ना, ये खजूर इंसान की अंदरूनी जान के लिए बहुत जानदार चीज़ होती है। अच्छा, खजूर क्यों खाते हैं? एक तो ये कि सुन्नत है और दूसरे ये इसकी क्या वजह है? क्या ये काफ़ी रज़ाइत होती है, ताकत होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ताकतवर चीज़ है ये, और ये मतलब बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है जी। रमज़ान के बाद एक्चुअली रमज़ान रखने से इंसान में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, तो इससे ना, एक तो ये स्वीट होता है, इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, और ये फिर एक फ्रूट है, ये आर्टिफिशियल चीज़ है नहीं, ये जेन्युइन है, तो ये बेस्ट रहता है खाने में, रमज़ान खोलने के लिए बेस्ट है। रमज़ान के मौके पर दिल्ली के बाज़ारों में और भी कई चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान के इस कदीम सखावती मरकज़ की पहचान हैं। आइए जायज़ा लेते हैं इन चीज़ों का। कीमे का समोसा जो इस रमज़ान का फेस्टिव सीज़न में स्पेशल है, और मीठा समोसा तो चलता ही है, और शहरी में खाने के लिए अपने पास फेनियाँ हैं और खजले होते हैं और फीकी जलेबी होती है, वो शुगर फ्री पेशेंट के लिए होती है, सबके लिए ही होती है, उसमें दूध में डाल के खाते हैं चीनी के साथ। मैं यहाँ पे हर रोज़ आता हूँ अपनी अफ्तारी के लिए, अपने घर वालों के लिए मिठाई और समोसे लेने, क्योंकि यहाँ के समोसे और मिठाई बहुत अच्छी होती है, और जलेबियाँ भी, और बढ़िया मिठाई होती है। हम लोग ज़्यादातर अपने बनाते हैं फ्रूट वगैरह के जो होते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो ये खजूरें वगैरह रखते हैं इफ्तार के लिए। फिर खाने का टाइम होता है हमारी तरावियों के बाद, रात को तरावी पढ़ते हैं, 11:15 हमारी तरावियाँ फारिग होती हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, आन के खाना खाने के बाद फिर हम जो है मिठाई वगैरह सब लेते हैं साथ। ये हमारे यहाँ स्वीट डिश है, ये शाही टुकड़ा है, रबड़ी है, खीर है, आइसक्रीम है, ये 12 महीने सब मिलती है, रमज़ान के मौके पर भी ज़्यादा मिलती है, ये आपको सुबह 4 बजे तक मिलेगी, आपको दोपहर को शाम को रोज़ा का रोज़ा अफ्तार के टाइम तक, शहरी के टाइम तक, सब दोनों टाइम मिलती है। वाली फैनी ये शहरी में खाई जाती है ज़्यादातर, और इसके लिए ये शीर के लिए ये होती है, ये सब दिल्ली का ही बना हुआ है, और इसमें एक बनारसी माल आता है वो वहाँ लगा हुआ है सारा ऊपर, वो बनारस से आता है, तो ये ज़्यादातर ये शीर के कौरमे के लिए ये होती है, और शहरी में ये इस्तेमाल की जाती है, और ये सब मैदे से बनी हुई है, ये है, ये बनारस की आती है, ये सबसे ज़्यादा यही चलती है, जिसकी ये खिमा भी बनती है ईद वाले दिन। दो तीन वैरायटी बनाते हैं, सीवी का जर्दा जैसे, और सवैयाँ, और दूध वाली सवैयाँ, दूध की खीर, और क्या नाम, खीर खुरमा, 4 वैरायटी बनाते हैं। यही है कि भाई अपना अच्छे से सेवियाँ खाओ और मौज मनाओ, ईद के मौके पे ही खाई जाती है ज़्यादा। मैं यहाँ कुर्ता ख़रीदने के लिए ईद की तैयारी के लिए, दूसरी बात ये है कि इस्लाम में हर चीज़ के अंदर इतदाल कहा गया है, फजूल खर्ची से मना किया गया है, लेकिन रमज़ान चूँकि ऐसा त्यौहार है जिसको लोग मुसलमान जो है बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही एहतराम के साथ मनाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा वो खर्च करते हैं, और रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला उसके रिज़्क में भी इजाफ़ा करता है। हदीस में आया कि रमज़ान की बरकत से मुसलमानों का रिज़्क में जो है बरकत हो जाता है, इजाफ़ा कर दिया जाता है, तो लोग खर्च करते हैं, लेकिन ये कि फजूल खर्ची से, इसमें रमज़ान में भी फजूल खर्ची से बचना चाहिए। कपड़ा सिला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप जो है 10-10 सिला लिए, गरीबों को एक भी नहीं है, अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। खाने में आपके इफ्तार पे जो है दस्तरखान पूरा भरा हुआ है और आपका पड़ोसी भूखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान में ये है भूखा रहने, इसलिए भूखा रहने के लिए कहा गया है ताकि आपको भूख की शिद्दत का एहसास हो, और जो गरीब जिनको एक रोटी नसीब नहीं होती है उनके दर्द का आपको एहसास हो जाए,
तो रमज़ान का ये मकसद है। तो अपने ऊपर खर्च करने के साथ साथ मुसलमानों को चाहिए कि अपने पड़ोसियों को, गरीबों को, मुफलिस मोहताज को भी इस खुशी के अंदर शरीक करना चाहिए। रमज़ान का जो महीना होता है ये बड़ा मुबारक महीना का समझो होता है। इसमें जो भी आप ख़रीदारी करते हैं मुसलमान लोग, जो मुसलमान भाई, जो ऐसा कोई हिसाब किताब का मुझे नहीं होता है। नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएं। रमज़ान के मौके से मैं 30 दिन के रोज़े रखता हूँ और नमाज पांचों वक्त की पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। जिला अररिया, सूबा बिहार के उत्तरी हिस्से से आया हूँ और दिल्ली देखने के लिए भी आया हूँ, जामा मस्जिद का नक्शा देखने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं जो जामा मस्जिद नाम सुन के आते हैं। जामा मस्जिद पे कपड़े बढ़िया मिलते हैं, यहाँ के खाने पीने की चीज़ फेमस है। और जब यहाँ पे आते हैं तो हमें कपड़े बढ़िया मिलते हैं। अभी जब मैं घर से आया हूँ या मार्केट शॉपिंग किया हूँ, यहाँ पे कुर्ता पजामा लिया, घर वाले के लिए कपड़े लिया हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कपड़े खरीदने में। यहाँ पे जो बात करते हैं अच्छा व्यवहार है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कपड़े लेने के। नाज़रीन, हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।